नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं उच्च के शनि के बारे में। सबसे पहले हम शनि के बारे में जानेंगे। शनि कर्म का कारक है, मेहनत का कारक है, संघर्ष का कारक है, न्याय का कारक है, दुख तकलीफें परेशानियों का कारक है। शनि कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है। किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि उच्च का होके बैठा हो तो वो कैसा फल देगा, ये जानने के लिए हमें कम से कम 5 बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला हमें ये जानना होगा कि शनि कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। दूसरा, शनि की अवस्था क्या है। शनि बाल्यावस्था में है, कुमारावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है या फिर मृत अवस्था में बैठा है, इसका भी अपना एक खास महत्व है। तीसरा, शनि कौन से भाव में बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है या फिर त्रिक स्थान में बैठा है, यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। चौथे नंबर पे, शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, यह भी देखना होता है। उसके बाद नवमांश के अंदर शनि की स्थिति क्या है। छठवें नंबर पे हमें देखना होगा कि शनि कौन से नक्षत्र में बैठा है, जैसे कि शनि चित्रा नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में है या फिर विशाखा नक्षत्र में है, इसका भी अपना एक खास महत्व होता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा, जब शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल मिलता है कि शनि उच्च का होके क्या फल देगा। अभी हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर शनि अगर जो उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, और इसका मैंने अलग से एक वीडियो निकाला है जो आप जाके देख सकते हो। अभी हम जानेंगे कि उच्च का शनि केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठा हो तो कैसा फल देगा। तो ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, हर काम को सिस्टमेटिकली और विद प्लानिंग करते हैं। ऐसे व्यक्ति हर काम सोच समझ कर करते हैं, भविष्य का परिणाम, भविष्य का विचार करके, उसके परिणाम के बारे में सोच के, दूरदर्शिता का उपयोग करके अपने काम को अंजाम देते हैं। जिसकी भी कुंडली में शनि उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और शुभ ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम करते हैं वो कायदा कानून के दायरे में रहकर करते हैं, नीति नियमों का उल्लंघन किए बिना काम करते हैं, और वो समय के बड़े पाबंद होते हैं, अनुशासित पद्धति से काम करने वाले लोग होते हैं, और अपने काम के अंदर कोई भी गड़बड़ी उन्हें पसंद नहीं आती। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरर, उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ होते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर भी शनि उच्च का देखा गया है। जिसकी भी कुंडली में शनि उच्च का होकर शुभ ग्रह होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे समाज सेवक होते हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, ऐसी सब संस्थाओं के अंदर उच्च पदाधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे समाज सेवक होते हैं, और उनमें खास बात देखी गई है कि वो लोग पशुओं को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि शनि पशु का कारक है, इसलिए जानवरों के प्रति उनके मन में बहुत ही प्रेम और लगाव होता है। पर्यावरण की रक्षा करने वाले, पशुओं की रक्षा करने वाले, जैसे कि गौशाला का संचालन करना, जो जानवर ऐसे ही घूम रहे हैं, बीमार है, तकलीफ में है, उनकी सेवा करना भी उन्हें अच्छा लगता है, ये देखा गया है। जिनकी भी कुंडली में शनि उच्च का होकर शुभ ग्रह होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर उच्च पदाधिकारी होते हैं, और शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जन कल्याण के काम करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है,
और अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा विकास करके मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और अपने पद का कभी भी मिसयूज नहीं करते, अपने उसूल और अपने सिद्धांतों पे काम करने वाले लोग होते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हो, अगर उनकी कुंडली के अंदर शनि उच्चका होके तीसरे चौथे या पांचवें भाव में हो, तो ऐसे बच्चे चाहे तो सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, माइंस इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर जैसे कार्य जैसे क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। शनि उच्चका होकर अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो दिग्बली होता है, दिशा बली होता है, तो यहाँ पे शशियोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाज सेवक की कुंडली के अंदर शनि सप्तम भाव में उच्चका देखा गया है। अगर शनि उच्चका होकर मंगल के साथ बैठा हो तो सर्जन डॉक्टर बनते हैं या फिर बड़े मैन्युफैक्चरर बनते हैं। शनि गुरु अगर एक साथ बैठे हो तो कोर्ट के अंदर बड़े न्यायाधीश बनते हुए देखे गए हैं। शनि बुध एक साथ में हो तो रिसर्च के अंदर बहुत नामना कमाते हैं। उच्चका शनि अगर उसके साथ सूर्य बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही संघर्ष में जीवन जी के शून्य में से सर्जन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं। उच्चका शनि वाले व्यक्ति में और एक खास बात देखी गई है कि वो अपने फैमिली के लिए, अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उनको जो प्यार, यश और उनको सहारा मिलना चाहिए वो नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो बहुत ही अंदर से अकेले हो जाते हैं और बहुत ही उदास हो जाते हैं। और बड़ी उम्र का होने के बाद वो वैराग्य की तरफ भी अपना झुकाव करते हैं। अगर हम लोग अभी देखेंगे कि उच्चका शनि चित्रा नक्षत्र में बैठा हो तो कैसा फल देता है, ऐसे व्यक्ति बड़े चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, बड़े मेहनतू होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, अपने निर्णय पे अडिग रहते हैं। जमीन, वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में उनको बहुत लाभ होता है। अगर शनि स्वाति नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है और कई बार उनके साथ विश्वासघात होता है। कड़वे अनुभव की वजह से वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हर काम सोच समझ के करते हैं। ज़्यादातर स्वाति नक्षत्र वाले व्यक्ति बिजनेसमैन, उद्योगपति और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मालिक देखे गए हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि विशाखा नक्षत्र में होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोग आध्यात्म और ज्ञान, धर्म, पूजा पाठ ये सब कार्यों के अंदर उनको बहुत सफलता मिलती है। एक अच्छे पुजारी, कर्मकांडी ब्राह्मण, योग साधना ऐसे सब कार्य के अंदर उनको सफलता मिलती है। अभी हम जानेंगे कि जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि उच्चका होके अगर पाप ग्रहों से ध्रष्ट हो या फिर 6-8-12वें भाव के अंदर, 6-8-12वें भाव के अंदर निर्बल हो या फिर उसकी अवस्था बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था में बैठा हो और कमजोर होता हो तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ओम शम शनिश्वराय नमः, ओम शम शनिश्वराय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान करना चाहिए, उनके आशीर्वाद देने चाहिए और साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को हमेशा खुश रखना चाहिए, भरपेट भोजन खिलाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जिसकी भी कुंडली में शनि उच्चका होके शुभ ग्रह होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वो स्पेशल व्यक्ति होते हैं। सिर्फ जानना होता है कि उन्हें अपनी शक्तियों का किस तरह से सदुपयोग करना है, उन्हें अपनी काबिलियत को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो वो लोग जीवन के अंदर बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।